मैं आपकी तितली आज फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए टीवीपुर की नई नई चुगलियों का नया डोज लेकर। अब आज जहाँ अनुपमा के मोहल्ले में डॉली ने तोशु की क्लास लगा दी है, वहीं अबीरा और अरमान की शादी में आने वाली है एक और रुकावट, जहाँ विद्या भी हो जाएगी शादी के खिलाफ, तो रजत के बेटे ने भी कर दी है उससे ऐसी डिमांड कि उसका सिर ही घूम गया है। अब ये तो थी टीवीपुर की आज की चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी। अब चुगलियों का पूरा मजा लेने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अनुपमा के मोहल्ले में, जहाँ आज डॉली तोशु की क्लास लगाने वाली है। दरअसल होगा यूं, तोशु घर में सबको कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलेगा और कहेगा कि वो सबका खर्चा नहीं चलाएगा, सबको अपने खर्चे का हिस्सा देना पड़ेगा, और तोशु डॉली से भी उसके और मीनू के खर्चे के लिए कंट्रीब्यूट करने को कहेगा। इस पर डॉली भड़क जाएगी और कहेगी कि ऐसे में तो तुम लोगों को भी मेरा हिस्सा देना चाहिए, जो घर बेचकर हिस्सा आया था, जिसमें कि तोशु, पाकी और डिम्पी तीनों को अपना अपना हिस्सा, अपने अपने पैसे मिले थे, तो डॉली को वो पैसे नहीं मिले थे और ऐसे में डॉली को भी वो पैसे चाहिए। अब ये सुनकर तोशु और पाकी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वहीं अनुपमा भी छोटी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी और कहेगी जब तक स्कूल नहीं मिल जाता, अच्छे टीचर नहीं मिल जाते, तब तक तुझे जो मिलता है तो उसी से अपने पढ़ाई की शुरुआत कर। इसके बाद अनुज भी अपने पुराने द अनुज कपाड़िया अवतार में नजर आएंगे और अपने ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ेंगे। अनुज के ऑफिस में क्या होता है ये तो आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको सीरियल में एक और ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां जल्द ही अनुपमा को सागर और मीनू के रिश्ते की सच्चाई भी पता लग चलने वाली है। अब इसके बाद अनुपमा का रिएक्शन क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। भाई सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां कल आपने देखा कि अबीरा की मामा भात की रस्म के लिए मनीष पूरे परिवार के लिए तोहफे लाता है और सबको बता देता है कि अबीरा कोई और नहीं बल्कि अक्षरा की बेटी है, जिसे सुनकर रूही को धक्का लगता है, वो अबीरा को थप्पड़ जड़ देती है। सच्चाई जानकर अबीरा पश्चाताप करने के लिए अरमान से शादी तोड़कर चली जाती है। दरअसल कल के एपिसोड में आपने ये जो कुछ भी देखा था, अब आज के एपिसोड में पता चलता है कि वो सब महज मनीष का सपना था, और सपने में अबीरा और रूही के ऐसे रिएक्शन देखकर मनीष डर गए हैं। अब मनीष को लगता है कि फिलहाल उनका चुप रहना ही ठीक है और वो किसी को कोई सच्चाई नहीं बताते। हालांकि जब फूफासा अबीरा को ताने मार रहे होते हैं, तब मनीष फूफासा पर बिफर जाते हैं। मनीष दादी साह और फूफासा को खूब खड़ी खोटी सुनाते हैं। नौबत तो यहाँ तक आ जाती है कि मनीष फूफासा का कॉलर पकड़ लेते हैं और दादी साहब को बीच बचाव करना पड़ता है। मनीष कहते हैं कि अबीरा से उनका दिल का रिश्ता है। इसके बाद मनीष अबीरा और अरमान की मामा भात की रस्म करते हैं। हालांकि ये सब रूही को एक आंख नहीं भा रहा और अब वो अबीरा पर इल्जामों की बारिश करने वाली है। शो के अपकमिंग एपिसोड में एक और मेजर ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ अबीरा फंक्शन में डांस करते करते बेहोश हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर खुलासा करेगी कि अबीरा कभी माँ नहीं बन सकती। इसके बाद दादी साहब तो दादी साहब विद्या भी अबीरा और अरमान की शादी के खिलाफ हो जाएगी। विद्या अरमान पर दबाव डालेगी कि वो अबीरा से शादी ना करे, क्योंकि उसका तो सपना ही था परिवार और बच्चों का, और अबीरा वो पूरा नहीं कर सकता। अब ऐसे में अरमान इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा ये तो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। वही गुम है किसी के प्यार है में आप देखेंगे कि आज रजत अपने बेटे कियान से मिलने जाएगा, जहाँ कियान रजत को एक फॉर्म पर साइन करने बोलेगा। दरअसल कियान अपने पिता के नाम से रजत का नाम हटाकर अर्श का नाम लिखवाना चाहता है और इसी के लिए उसने ये पेपर बनवाए हैं और रजत को साइन करने के लिए दिया है। अब इस बात को जानकर रजत को बड़ा धक्का लगेगा और वो बार में पहुंच जाएगा, जहां पर वो नशे की हालत में धूत हो जाएगा। जब बार पूरी तरह से खाली हो जाएगी तो इसके बाद बार टेंडर सभी को कॉल करेंगे, जहां सभी रजत को लेने आएगी। इसके बाद नशे की हालत में रजत सभी को बता देगा कि सई उसकी बेटी नहीं बल्कि अर्श की बेटी है। इसके बाद सभी सई और रजत का डीएनए टेस्ट कराएगी। अब आगे आने वाले एपिसोड में और क्या क्या ड्रामे होंगे ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं कुछ और नई चुगलियों के साथ इसी समय पर। धन्यवाद।